भोपाल से बड़ी खबर है, जहां गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ग्वालियर द्वारा पोहरी विधानसभा के बैराड़ में करेंगे जनसभा को संबोधित, और करेरा के नरवर और डबरा विधानसभा के पिछोर में भी आम सभा होने वाली है। तो राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर दौरे पर रहेंगे, जहां एक बार फिर चुनावी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। एक बार फिर न्यूज रूम की ओर चलेंगे और संदीप से समझेंगे। संदीप, सीएम के बाद यदि हम बात करें तो यहां पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ खास रहेगा इस दौरे में? बिल्कुल सुनील, 4 दिवसीय दौरे के बाद अभी देर रात गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भोपाल लौटे हैं और अब फिर से पोहरी और पिछोर में उनकी सभाएं हैं, तो उन सभाओं के लिए फिर से वो रवाना होंगे। लगातार उनकी भी सभाएं आयोजित की गई हैं और आज जो जिस तरह से पहले ही हमने बात की कि ज्वलंत मुद्दा है, तो इन सब मुद्दों को लेकर के भाजपा आज पूरी तरह से प्रदर्शन करने के मूड में है, सभाओं में इस पूरे मुद्दे को भुनाना चाहती है। और जिस तरह से फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनकी बयानबाजी अक्सर हमेशा तीव्र होती है, तो आक्रामक होती है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं भाजपा उनसे फायदा उठाना जरूर चाहेगी। लिहाजा करीब 10 से 11 बजे के आसपास गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा फिर से यहां से रवाना होंगे। पोहरी और पिछोर में वो सभाओं में शामिल होंगे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। जी सुनील, बिल्कुल, मैं संदीप ये भी समझना चाहूंगा, चिरपरिचित अंदाज हमें यहां पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नजर आने वाला है, लेकिन इसके अलावा यदि मैं जनसभा की बात करता हूं, तो आखिर जनसभा को देखते हुए क्या एक यही मुद्दा सामने आएगा, या इसके अलावा यह भी कहा जा सकता है जो सरकार के पिछले एक लंबे वक्त से जो उपलब्धियां रही हैं वो भी जनता के बीच रखी जाएगी? जैसा कि आपने पहले बताया था, कार्यकर्ता उत्साहित हैं और कार्यकर्ता अभी चुनावी मोड में आ चुके हैं। बिल्कुल सुनील, देखिए मुद्दा तो ये रहेगा, ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरह से भाजपा लगातार बात करती रही है विकास की, विकास के को आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जनता से वोट की अपील कर रही है, और कहीं ना कहीं जनता का भी मूड अब बदलता नजर आ रहा है। जी, लोग कई बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि पिछली बार उनसे गलती कहीं ना कहीं हुई है, तो वो सारी चीजें अब यहाँ पर भाजपा लगातार देख रही है और कोई भी चूक नहीं करना चाहती। लिहाजा जो पिछले 15 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा भारतीय जनता पार्टी का, तत्कालीन सरकार का, और पिछले इन 6 महीने में जो शिवराज सरकार ने प्रदेश में विकास के नए आयाम रचे हैं, जो नई नई योजनाएं लेकर के आए हैं, तो उन सब चीजों को लेकर के यहां पर लगातार बात की जाएगी, जनता से वोट की अपील की जाएगी और एक बार फिर से भाजपा पर विश्वास करने की बात कही जाएगी, भाजपा के उम्मीदवारों पर विश्वास की बात कही जाएगी। तो इस तरह से आज ये मुद्दे जरूर उठेंगे।